हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशोपीडिया। आज की ये जो वीडियो है ये बेस्ड है जो अभी मोदी जी ने किया, जो तीन जो फार्मर लॉज थे उनको रिपील करने के लिए। तो आई एम गोना टॉक अबाउट, आज जो मैं बोलने वाला हूँ वो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग से ये क्यों हुआ, क्या ये होना चाहिए था या ये नहीं होना चाहिए था। अब कैन वी कॉल इट अ मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी ने ये क्यों करा? इसके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि जो किसान आंदोलन था ये इट वाज हाईजैक्ड, इसमें खालिस्तानी मूवमेंट शुरू हो गया था और बहुत सारी सस्पिशियस एक्टिविटीज शुरू हो गई थी वहाँ पे, जैसे कि आप सबने देखा कि वहाँ पे रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक वो रीज़न था। सेकेंड रीज़न ये था कि जो अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, तो जब वो मिलने आए मोदी जी को तो उनके बीच में यही बात हुई होगी कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को बीजेपी के साथ गठबंधन करना है तो उसकी फिजिबिलिटी यही है कि जब ये कानून वापस ले जाएं, और वो भी ऐसे टाइम पे जो पंजाब, पूरी पंजाब की जनता जिसे अप्रिशिएट करे, इसीलिए गुरुपर्व का दिन चुना गया ताकि बीजेपी वापस पंजाब में आ सके, ठीक है। थर्ड रीज़न जो मैं सोचता हूँ वो इस वजह से कि इंटरनेशनल मीडिया में इस फार्मर एजिटेशन को लेके बहुत ज़्यादा बैकलैश, बहुत ज़्यादा नेगेटिव पोर्ट्रेट करा जा रहा था इंडिया को, मोदी को, बीजेपी को। तो उस एजिटेशन को हटाने के लिए मोदी जी ने कहा कि ठीक है, इस टाइम पॉलिटिकली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से वी विल रिपील दिस फार्म लॉज। फिर चौथा रीज़न ये है कि इंडियन गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी बिजी विद चाइना। चाइना जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है क्योंकि सारी फंडिंग वहीं से आ रही है, ISI और चाइना इज़ फंडिंग ऑल दीज एजिटेशंस, ठीक है। तो उनसे डील करने के लिए मोदी जी को ये पता है कि ये एजिटेशन जो है इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ख़त्म इसी तरीके से करा जा सकता है कि इसको रिपील करा जाए। अब एक बार रिपील हो गया है तो अब टिकैत साहब कुछ भी कहते रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जो फार्मर्स हैं वो भी एजिटेटेड हो जाएंगे क्योंकि उनका एक ही मुद्दा था कि ये जो तीन काले कानून है ये वापसी घर वापसी, तो अब टेक्निकली दे शुड गो, ठीक है। अब जो हार्ड कोर फॉलोअर्स ऑफ मोदी हैं उनके लिए एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है क्योंकि मोदी जी को जो सत्ता में लाया गया, हम लोगों ने जो वोटिंग करी है इसलिए करी है कि हमें पता था कि मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत स्ट्रांग स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन ये हज़म नहीं हो रहा, ये बिल्कुल हज़म नहीं हो रहा कि मोदी जी जस्ट गेव अप। ये फॉर पॉलिटिक्स ना, पॉलिटिकल करियर के लिए ऐसा स्टेप लेना, हम तो हर तरीके से सपोर्ट करते हैं ना, कर ही रहते हैं ना सारे हार्ड कोर वोटर्स जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं वो तो सब कर ही रहते सपोर्ट, ये क्यों करा? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हूँ। मेलबर्न में अभी एंटी वैक्सीन की रैली हुई, हार्ड कोर एंटी वैक्सीन थे, उन्होंने फुल स्कीम बनाई कि हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से प्रदर्शन करेंगे। गवर्नमेंट ने क्या करा, ये फुटेज अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। गवर्नमेंट ने पैलेट्स, रबर पैलेट्स चलवा दिए, रबर बुलेट्स चलवा दिए उन पे, इतनी कुटाई करी गई ना उनकी, और इसकी सारी फुटेज ऑनलाइन अवेलेबल है यूट्यूब पे। क्योंकि अगर आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिससे कि स्टेट, द होल स्टेट की जो हेल्थ है वो जेपर्टाइज होती है, क्योंकि कोविड का टाइम है, दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप बाहर आओ और ये सब करो। इंडिया में जो सेकेंड वेव हुई है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये एजिटेशन, फार्मा एजिटेशन था, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा रीज़न था, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इस वजह से ही फैला। जो कोविड का सेकेंड स्ट्रेन आया वो यूके से आया, यूके से जो लोग फार्मा एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए आए ये उनके थ्रू आया है, ठीक है ना। तो खैर,
अब ये इनकी फेलियर समझो बीजेपी का, कि ये कोई स्ट्रॉन्ग कदम ले नहीं पाए। और टिकैत जैसे, अरे उसकी शक्ल देखो यार, शक्ल देख के पता नहीं क्या अजीब सा होता है यार। तो मुंह तो धो ले अगर भाई, कभी कभी मुंह तो धो अपना, कैसा मुंह लेके आता है। बक्कल तार देंगे, बक्कल तार देंगे भाई जानवर, तू गन्ने तार चाके कहीं, ठीक है ना। खैर बड़ा दुख हुआ ये सुन के कि मोदी जी ने अपना स्टांस पीछे ले लिया। बट अगर उनका आगे का, अगर आप उनकी स्कोप सोचे कि उन्होंने ऐसा क्यों करा होगा, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो बोला है कि कितना असला बारूद पंजाब में आ चुका है, पंजाब फिर से एक बैटल ग्राउंड बनने वाला है, और हमारे जो सिख भाई हैं, जो हमारे अपने हैं, उनके उनके और हमारे बीच में ये जो टकराव वाली हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। वो तो हमारा ही अंग है यार, ऐसा थोड़ी है कि हम दायां हाथ अच्छा है तो बायां हाथ काट दें, ऐसे थोड़ी होता है। हिंदू और सिख तो हमेशा से एक ही रहे हैं। ये तो कोई, ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये मुझे क्यों, मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों डिफरेंसेस लाए जा रहे हैं। हिंदू अलग, सिख अलग है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिख भाई हमारी अपनी अपनी खून है यार, ऐसा थोड़ी होता है। बट ये डिफरेंसेस लाए जा रहे हैं ताकि ये एक कौमी रूप ले ले, लेकिन ऐसा होगा नहीं ना, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। क्योंकि बहुत सारे सिख भाई हैं जो ये बात जानते हैं, वो कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे खालिस्तान को, और हम हमेशा से उनके लिए उनके साथ खड़े रहेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ बस बाकी बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि एक नई लहर शुरू हो सकता है कि, क्योंकि जो जो मुझे ऐसा लगा है कि काफ़ी सारे फार्मर्स को, जो स्मॉल ग्रेड के फार्मर्स थे, उनको इन लॉ से बहुत फ़ायदा हुआ। जो अक्टूबर में जो फसल कटाई हुई है, वो उन्होंने बहुत अच्छे दामों पे बेची है, क्योंकि दे हैड राइट टू गो एंड फाइंड द राइट बायर। उनको ये राइट मिल चुका था कि वो किसी राइट बायर के पास अपनी जो फसल है उसे बेच सकें, और उनको बहुत अच्छी कीमत मिली है। अब जब ये फार्मर लॉ रिपील हो गए हैं सारे, तो अब उनको फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी जो पहले आ रही थी। देखिए मार्च में ये लॉ एनफोर्स नहीं था, जब कटाई हुई थी उस टाइम पे फार्मर्स डिडंट हैड अ चॉइस, तो उनको पता नहीं था कि इसका फ़ायदा क्या है। अब जो असली फार्मर्स हैं उनको इसका फ़ायदा पता लग गया। अब ये हो सकता है स्मॉल पॉसिबिलिटी कि वो सपोर्ट में आ जाएं, क्योंकि अब बीजेपी इसको विपक्ष की वो बताएगी कि उनकी वजह से ये करना पड़ा। अगर विपक्ष फोर्स ना करते तो हम कभी फोर्स, तो जो कांग्रेस है उसका सुपड़ा साफ करने का, हो सकता है कि सुपड़ा साफ हो जाए अगर बीजेपी इसको सही तरीके से अब इस पूरे इवेंट को मोनेटाइज अगर कर सके, तो हो सकता है कि हो जाए। बाकी तो देखते हैं अभी और क्या क्या नए देखने को मिलेगा। दुख तो बहुत है कि इतना बड़ा स्टेप लिया गया है, लेकिन क्या करें, हो सकता है कि इसमें कुछ बेनिफिट हो। अब वो तो आगे देख के पता चलेगा क्या बेनिफिट निकलता है इसका। बाकी मेरे चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। अब मैं और वीडियोस बनाऊंगा रिलेटेड टू दीज थिंग्स ओनली, क्योंकि अब लगता है बोलने की ज़रूरत है, अब बोलना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।